नवंबर का मंथ स्टार्ट हो गया और अभी तक ठंड ने दस्तक नहीं दी। और हमारे स्टेट में तो साइक्लोन आया था, बट साइक्लोन हल्का फुल्का असर था, बारिश जम कर हुई और इसका हमने फ़ायदा भी खूब उठाया। तो अभी का जो टाइम होता है ना फ्रेंड्स, उसमें अगर आप परमानेंट प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हो तो अब ज़रूर से लगाना, आपको 101% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बस थोड़ी सी सावधानियाँ बरतनी होती है। और कुछ खूबसूरत महंगे पौधे तो ऐसे होते हैं जो एकदम ईजी वे में लगेंगे, जैसे आप बारिश में लगाते हो। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से प्लांट है जिसको कि आप ईजी वे में लगा सकते हो और इसमें फ्रेंड्स जबरदस्त ग्रोथ होगी, क्योंकि पिछले साल ही मैंने नवंबर पे लगाया था। मुझे भी लगा था कि शायद ये प्लांट ना प्रोपगेट करे, लेकिन माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो चलो देखते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से ऐसे प्लांट है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे विथ डिटेल्स बताऊंगी, हर एक चीज़ करके सामने से दिखाऊंगी ताकि आप एकदम उसी तरह से आप काम करो अपना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहिन, वेलकम बैक टू माई चैनल शाहिन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी, उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मजे में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पूरे पौधे में पानी से भींगा हुआ, पत्ती में पानी के बूंदे दिख रहा होगा, तो बहुत बारिश हुई थी उसी का ही असर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मिट्टी का प्रिपरेशन कर लेते हैं। मिट्टी के लिए हमने 4 का प्रोपोर्शन लिया है, गार्डन स्वेल, कोकोपीट, सैंड और कंपोस्ट। ये 4 का प्रोपोर्शन ले लेना। और कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो प्लेन गार्डन सॉइल में लगेंगे, कुछ को ज़रूरत होता है कि थोड़ा सा रिच सॉइल पसंद होता है, तो मैं वहाँ पर मेंशन कर दूँगी जिनको कि सिर्फ आप प्लेन गार्डन सॉइल में लगा सकते हो। और थोड़ा अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर है तो वो 1 स्पून आपका जितना गमला, नहीं तो हल्दी पाउडर, मेरे तरह हल्दी पाउडर का यूज़ करना। तो जो सबसे पहला प्लांट है वो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो। और इस प्लांट की सबसे खास बात ये है कि छोटे से डब्बे में भी लग जाएगा। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है डायरसना। डायरसना की बहुत ही प्यारी सी वैरायटी है। डायरसना की इस वैरायटी का नाम गोल्डन डस्ट है और कहीं कहीं पे गोल्डन भी लिखा हुआ। तो ये बहुत ही खूबसूरत इजी टू केयर प्लांट है और इसको कटिंग के थ्रू आप इजीली लगा सकते हो। मैं आपको अभी कटिंग दिखाती हूँ। मैं कुछ ही दिन पहले इसकी कटिंग लगाई थी और मैं आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखा रही हूँ कि कितना माशाल्लाह से इसमें ग्रोथ आया। कुछ नहीं, बस छोटा सा स्टेम ली थी, स्टेम भी मैं बड़ा सा नहीं, बहुत ही छोटा स्टेम ली थी। और आप यहाँ देखो सामने से कि कितना अच्छा, एक छोटा सा स्टेम आप देख ही रहे हो, तो इतने छोटे से स्टेम में कितना अच्छा सा ग्रोथ आया। तो आप इसी तरह से इस छोटी सी कटिंग मिलती है और ये फिर आपको एक बार आप लगा दिए ना तो फिर ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। और जब भी लगाना तो आपका जो गमला होगा, पॉट होगा, वो छोटा लेना, बहुत बड़ा गमला में एक छोटा सा स्टेम नहीं सही रहता, फिर वो डिजॉल्व हो जाएगा उसी में। तो छोटा सा कुछ भी आपके घर में कबाड़ हो या छोटा गमला हो तो उसमें आप लगा देना, उसके बाद आप इसमें देखना कितना मस्त ग्रोथ आएगा। तो इस तरह से एक छोटी सी कटिंग से होने वाला एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा प्लांट है। और इसकी केयर बताऊं तो बस ऊपर का लेयर जब ड्राई होता है तो ही मैं इसको पानी देती हूं, बाकी किचन वेस्ट का जो लिक्विड निकलता है वो कभी कभी दे देती हूं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं देती हूं। और अभी तक मैंने इसमें किसी भी तरह का कोई कीड़ा का अटैक नहीं देखा। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होगा आपके लिए, इस मंथ में आप लगा सकते हो। दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, जैसे कि आप इनके पत्ती में देख रहे हो कितनी ज़्यादा शाइनिंग है, बहुत ही खूबसूरत, एकदम लो मेंटेनेंस प्लांट है। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है फैलोडेंड्रम। फैलोडेंड्रम की ये जो वैरायटी है ये ऊपर जाएगी, जैसे आपका मनी प्लांट होता है ना वैसे ही आपको इसमें स्टिक लगा के इसको ऊपर की तरफ ले जाना पड़ता है। तो बहुत ही खूबसूरत, एकदम लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको भी आप अभी कटिंग से लगाओगे तो एकदम ईजी वे में लगेगा, एकदम ईजी वे में, बहुत ही खूबसूरत। क्योंकि देखो ना इसमें तो इतने सारे आपको रूट्स निकल के आए हुए, एरियल रूट इतने ज़्यादा, तो ना लगने का तो सवाल ही नहीं है। तो इसको, इसकी भी कटिंग आपको कहीं पर मिलती है तो फ्रेंड्स इनको भी आप लगा लेना, बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे कि आप देख ही रहे हो इसके जो हल्का लाइट कलर का जो इसके पत्ते के कलर है, हल्के लाइट ग्रीन कलर का, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये जो प्लांट है फैलोडेंड्रम, इसकी बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है और सारी वैरायटी ही इनकी बहुत ही खूबसूरत होती है, तो इनको भी आप इजीली कटिंग से लगा सकते हो। दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ये भी डायरसना की ही एक वैरायटी है और इसको भी अभी नवंबर के, आप दिसंबर के ठंड में भी लगा दो, इवन मई जून की गर्मी में भी लगा दो, तब भी ये मस्त लगेगा और बहुत ही जल्दी इसमें रूट डेवलप हो जाता है, बहुत ही अच्छा इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इसको भी आप कटिंग से इजी वे में लगा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत और इजी वे में लगने वाला ये प्लांट है। और आप अभी देखो इसमें, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कितना अच्छे से इसमें ग्रोथ हुआ। तो ये एक बार आप छोटी सी कटिंग लाना और इसके नीचे की 2-3 पत्तियों को हटा देना और प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगाओगे तो ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो देखो यहाँ पर कितना अच्छा इसमें रूट डेवलप हुआ है, तो अब मैं इसको बड़ा गमला दे रही हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत, इजी टू केयर, इजी टू प्रोपगेशन प्लांट है जिसको कि आप इजी वे में कटिंग से लगा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। इसकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती है, बस ऊपर का लेयर जब ड्राई होता है तो ही पानी देती हूँ, बाकी अभी तक मैंने इसमें किसी तरह का भी कोई भी कीड़े का अटैक नहीं देखी हूँ। और ये जो प्लांट है इसका एक
प्लांट को मैंने ऐसे जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे 2-4 घंटे की धूप आती है, और एक को मैंने धूप में, पूरी तेज़ धूप में रखा है, दोनों मस्त चल रहा है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि दोनों जगह में ये अच्छे से रह जाएगा। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड, ये एरेलिया की एक प्यारी सी वेरायटी है जिसके पत्ते बहुत बारीक बारीक से होते हैं, और इसको बहुत सारे लोग हेज की तरह भी लगाते हैं। इनको भी अब कटिंग से ईजी वे में लगा सकते हो, बट जब इसमें कटिंग लगाओ ना तो इसको बहुत ऐसे जगह पे रखना जहाँ पे हल्की फुल्की सी सुबह की 1-2 घंटे की धूप आए, बहुत तेज़ धूप में बस मत इसको मत रखना, तो फिर आपका कटिंग 101% सक्सेसफुल होगा। और अगर आपके पास कोकोपीट है तो प्लेन कोकोपीट में भी लगाना, तो भी इसमें बहुत मस्त ग्रोथ होगा। तो ये अभी फ़िलहाल मैं लगाई हूँ, इसीलिए अभी मैं इसका रूट नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी जस्ट लगाई हूँ कुछ ही दिन पहले। तो इसको अभी थोड़ा दिन रख दूँगी, फिर जब ये और ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा तो फिर मैं इसको बड़ा गमला दे दूँगी। तो इसकी छोटी सी छोटी कटिंग, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें कितना छोटा सा मेरा डिस्पोजेबल ग्लास है, उसमें मैं लगा के रखी हूँ। तो इस तरह से आप छोटे छोटे कटिंग भी छोटे छोटे ग्लास में आप लगा के रख सकते हो। तो ये एरेलिया की बहुत ही खूबसूरत वैरायटी होती है। हाँ, इसमें कीड़े का अटैक होता है, हल्का फुल्का हो जाता है, हो इससे पहले ही आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ता है पड़ेगा। तो और दूसरा जो प्लांट है वो भी आप अभी कटिंग से लगाओगे तो बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। इनका नाम है फर्स्ट लव प्लांट, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसमें 1-2 कलर और आते हैं, वाइब्रेंट रेड कलर आता है, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो इजी वे में अभी इस टाइम पे आपको कहीं से कटिंग मिलती है तो आप लगा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगता है जैसे कि आप देख ही रहे हो। तो इसको भी आप इजी वे में कटिंग से लगा लेना, ये भी एक परमानेंट प्लांट है, पूरे साल आपके साथ रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी है जाड़े में है या ठंड में है, पूरे साल उस साल आपके साथ रहने वाला बहुत ही खूबसूरत परमानेंट प्लांट है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जैसे कि आप देख ही रहो, इनका नाम है एरेथनम। ये एकदम छोटी सी कटिंग में इजी वे में हो जाता है, और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे से डब्बे में भी इजीली हो जाता है। और ये जो यहाँ पे प्लांट है मैंने छोटे से गमले में लगा के रखा हुआ है, बट ये गमला अब इसके लिए प्रॉपर नहीं लग रहा है क्योंकि अब मुझे लगता है कि इसको दूसरा गमला देना पड़ेगा। बट मैं अभी भी इसको दूसरा गमला नहीं दूंगी, बल्कि मैं इसको कटिंग कर दूंगी, कटिंग करके इसको थोड़ा सा बुशी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं बुशी बनता है कि नहीं बनता। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है एरेथनम, इनकी भी बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है, और इनको भी आप इजी वे में, एकदम इजी वे में कटिंग से लगा सकते हो। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, जहाँ से मैंने कट किया ना वहाँ से 2 नया नया ब्रांचेस निकल के आएगा, इस वजह से मैंने बोला कि मैं इसको अभी बुशी बनाने की कोशिश करूँगी। और ये जो मैंने कट किया इसको भी सेम पॉट में डाल दूंगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जिसको कि आप इजी वे में एकदम कटिंग से लगा सकते हो, बहुत तेज़ धूप में बस इसको मत रखना। बहुत तेज़ धूप में रखोगे तो इनकी पत्तियाँ झुक झुक सी जाती है, और इनको पानी की नीड ऑलमोस्ट डेली डेली होता है। एक दिन स्किप कर दो तो कोई नहीं, थोड़ा सा वो ये हो जाता है, थोड़ा सा डल सा दिखने लगेगा, लेकिन फिर आप इसको पानी दोगे तो फिर से वो अच्छे से खिल-खिल सा जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत इजी वे में कटिंग से लगने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसको कि ईजिली कटिंग से लगा सकते हो। और हाँ, इसमें भी कीड़े का हल्का फुल्का अटैक मैंने देखा है, तो इसमें कीड़े का अटैक हो इससे पहले ही आप नीम ऑयल का स्प्रे कर देना। तो ये बहुत ही खूबसूरत ईजी वे में लगने वाला एक बहुत ही बेहतरीन प्लांट है एरेथनम, इनको भी आप कटिंग से ईजिली अभी लगा सकते हो। मैंने तो बहुत सारी कटिंग लगाई, तो देखो यहाँ पे मैं आपको अपडेट दिखा रही हूँ, जहाँ से मैंने कटिंग किया था वहाँ से नया 2 ब्रांचेस निकल के, मुश्किल से 7-8 दिन से ऊपर नहीं हुआ होगा फ्रेंड्स, और देखो यहाँ पे नया नया शूट्स निकल के आ रहा है। और यहाँ पे ये देखो, ये भी मैंने छोटी छोटी कटिंग करके छोटे से डब्बे में लगा के रखी हुई है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जो बड़े से गमले में भी लग जाता है, मैंने बड़े गमले में भी लगाया, छोटा छोटा इसकी कटिंग मिलती है तो छोटे छोटे पॉट में भी लगा के रखती हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत ही खूबसूरत इनके पत्ते होते हैं, जैसे कि आप पत्ता देख ही रहे हो, उनके लीफ देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है। दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इनको भी आप अभी लगा सकते हो, और इनका नाम है एंथोरियम, जो अपने खूबसूरत पत्तों के लिए जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत इनके पत्ते होते हैं जैसे कि आप देख ही रहे हो, इनकी भी कुछ खास केयर नहीं करनी पड़ती है, बस हाँ बहुत तेज़ जो मई जून की जो गर्मी होती है ना, उस गर्मी में इसको बाहर नहीं रखना है, ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पर सुबह की 2-4 घंटे की ही धूप है, बहुत तेज़ धूप में इसकी पत्तियाँ जो है बर्न होने लगती है। और ये एक परमानेंट प्लांट है, ऐसा नहीं कि 1 महीना 2 महीना या 4 महीना, एकदम सालों साल रहने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो अपने खूबसूरत पत्तियों के लिए जाना जाता है। बहुत ही प्यारा लगता है इनके पत्ते, बस यही है कि इसको बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना होता, बहुत तेज़ धूप में अगर रखोगे तो इसकी पत्तियाँ बर्न हो जाएगी, जो कि अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो ये बहुत ही खूबसूरत परमानेंट प्लांट है जिसको कि आप अभी इजी वे में लगा सकते हो। दूसरा जो प्लांट है वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, और ये सर्दियों का वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। वैसे ये परमानेंट प्लांट है, पूरे साल रहता है, लेकिन ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, फ्लावरिंग आपको विंटर में करेगा। अब इसका फ्लावरिंग करने का टाइम आ गया है, तो ये अभी इसको कटिंग से लगाई थी तो देखो इसमें कितना अच्छा से ग्रोथ आ गया। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो ठंडों में, गुलदाउदी इसका नाम है,
बेशुमार आपको फ्लावर देगा। और दूसरा जो प्लांट है वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, और ये एक परमानेंट प्लांट है, वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरिफिकेशन प्लांट है, और इनका नाम है पाम प्लांट। और इनको भी आप इजी वे में कटिंग से लगा सकते हो, और एक बार आप कटिंग से लगा दोगे तो ये प्लांट बहुत दिन तक रहता है, बहुत सालों साल तक रहेगा, और इनको कोई ज़्यादा नीड नहीं होती है, कोई भी कुछ भी नहीं, बस ऊपर का लेयर जब ड्राई ड्राई सा होता है तो ही आप इसको वाटरिंग करो, बाकी इसमें कोई कीड़ा काटा का अभी तक हमने नहीं देखा, तो बहुत ही खूबसूरत, इवन इसको रिपोर्टिंग की भी नीड नहीं होती, सालों साल ये एक गमले में यूँ ही पड़ा रहता है। तो आप इसको रोड साइड में भी देखते होगे, तो सोचो रोड साइड में तो इतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी होती है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरिफिकेशन का प्लांट है, जिसको कि आप इजी वे में अभी आप लगा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको केयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो ये एकदम लो मेंटेनेंस प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, जिसको कि आप कटिंग से ईजी वे में लगा सकते हो। दूसरा जो प्लांट है वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड, इनको भी आप अभी कटिंग से ईजी वे में लगा सकते हो, और इनका नाम बहुत ही खूबसूरत है, सॉन्ग ऑफ इंडिया। इनको भी आप छोटी छोटी कटिंग लो, और इस कटिंग को और इसकी कटिंग को अभी मैं फ़िलहाल तो छोटे से डब्बे में लगा रही हूँ, ये मैं फ़र्स्ट टाइम छोटे डब्बे में लगा रही हूँ, इससे पहले मैं बड़े बड़े गमले में लगाई हूँ इसको, पर छोटे डब्बे में मैं पहली बार लगा के ट्राई कर रही हूँ, देख रही हूँ कि ये छोटे गमले में होगा कि नहीं होगा। और हाँ, इसको अगर आप पानी में भी रखोगे तो इसमें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से पानी में भी रूट डेवलप हो जाता है, अगर आपसे ऐसी कटिंग नहीं लगती है तो आप इसको पानी में भी प्रोपोगेट कर सकते हो, जब पानी में रूट आ जाएगा तो फिर आप इसको सॉइल मिक्सचर दे देना। तो फिलहाल तो मैं इसको एकदम छोटे से डब्बे में लगा के देख रही हूँ कि इसमें वह एक कैसा ग्रोथ करता है, कैसा लगे, लगना तो है ही है लेकिन ग्रोथ कैसा करेगा वो मुझे अभी मालूम नहीं है। तो ये मेरे पास बहुत सारा स्टेम हो गया था तो कटिंग बचा था, तो इस वजह से मैंने इसको छोटे से डब्बे में लगा के देख रही हूँ। तो ये एकदम इजी वे में कटिंग से लग जाता है और एकदम परमानेंट प्लांट है, इसमें भी मैंने किसी तरह का कोई कीड़ा का अटैक अभी तक नहीं देखी काफ़ी सालों से। और मैंने जो आपको सामने पहले जो गमला दिखाया था वो गमला में अभी मैं बहुत सालों से रिपोर्टिंग भी नहीं की हूँ, तो इनको रिपोर्टिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही अच्छा एकदम लो मेंटेनेंस प्लांट है। ऊपर का लेयर जब एकदम से ड्राई होता है तो ही इसको पानी देती हूँ, बाकी इसमें कोई केयर नहीं, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है जो आपके गार्डन में ग्रीनरी को ऐड करता है। तो इसको आप खुली धूप में छोड़ दो, फिर ऐसे जगह पे भी इंडोर भी रखते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह में मैंने इंडोर देखा था लेकिन वहाँ पे रखे थे उन लोगों ने जहाँ पे ब्राइट लाइट आ रही थी, तो इसको इंडोर भी आप रख सकते हो और आउटडोर खुली धूप में भी, तेज़ धूप में भी, ये मई जून के भी धूप में ये यहीं पर रहता है, तो ये एकदम लो मेंटेनेंस प्लांट है जो कि धूप में इजी वे में रह जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत लो मेंटेनेंस प्लांट है सॉन्ग ऑफ इंडिया, इनको भी आप इजी वे में लगा सकते हो, कटिंग से इजीली लग जाता है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, हालांकि ये अभी लगाने का टाइम नहीं है, बट मैं ये प्लांट इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास ये प्लांट है या फिर आपको इसकी कटिंग मिलती है तो आप ज़रूर से रख लेना। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है मॉसरोस। मॉसरोस गर्मियों में बेनतहा खूबसूरत फूल देता है, इसकी कटिंग मुझे कहीं से मिल गई थी तो मैं इसकी कटिंग को इस तरह से सेव करके बस रख रही हूँ, पर ये अभी फ्लावरिंग नहीं करेगा, अभी कुछ दिन तक करेगा अभी, लेकिन उसके बाद ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, मैं बस इसलिए दिखा रही हूँ कि इसकी कटिंग आप इस तरह से रख लेना। और दूसरा जो प्लांट है उसको भी आप लगा सकते हो, ये परमानेंट प्लांट है, इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है लालसा, जो अपने लाल पत्तियों के कारण बहुत ही खूबसूरत दिखता है जैसे कि आप देख रहे हो, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है लालसा, इनको भी आप कटिंग के थ्रू ईजिली लगा सकते हो, एक छोटे छोटे पत्ते वाले होते हैं जो हेज के तौर पर आपको पार्क वगैरह में कहीं पर भी मिल जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत होते हैं इनके लीफ, तो इनको भी आप परमानेंट प्लांट है, इनको भी आप कटिंग से ईजिली लगा सकते हो, और आप इसकी कटिंग को पानी में रखोगे तो पानी में बहुत ही जल्दी रूट डेवलप करेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स और भी बहुत सारे प्लांट हैं जिनको कि आप कटिंग से अभी भी नवंबर में भी लगा सकते हो, इजी वे में लगेगा, कोई आपको परेशानी नहीं होगी और आपका कटिंग 101% सक्सेसफुल होगा। तो फ्रेंड्स मुझे तो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करो, एक प्यारा सा कॉमेंट किया करो। ओके जी, बाय बाय बाय, फाइनल बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।